लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। उस जहाज की क्रूज पार्टी में टारगेटेड लोगों की तस्वीरें देकर उन्हें ट्रैप किया गया, लेकिन मेरी जानकारी है कि एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी, जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है। वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। कुछ मुझे लोग जानकारी दे रहे हैं कभी वो तिहाड़ जेल में भी था। कुछ लोग मुझे जानकारी दे रहे हैं कि वो राजस्थान की जेल में भी था। ये दाढ़ी वाला कौन है एनसीबी उसकी तरफ भी ध्यान दे। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया क्रूज पे है, रेव पार्टी बस करने के लिए रेड की जा रही है और क्रूज को छोड़ दिया गया धड़ल्ले से। रेव पार्टी में हजारों लोगों ने जो भी करना था वो किया और हमें लगता है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। कुछ अधिकारी मुझे बता रहे हैं कि गोवा में भी उनका बहुत बड़ा रैकेट चलता है, लेकिन जब छापेमारी की बात आती है वानखेड़े साहब उस छापेमारी से भाग लेते रहे।